तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड कैफे में, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी मूवीज जो है बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस लिस्ट को। तो हमारे 5th नंबर पर आती है इंसेप्शन 2010। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। ये मूवी ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, पर जिन्होंने अभी तक नहीं देखी तो उनके लिए मैंने इस मूवी को लिस्ट में डाल दिया ताकि वे लोग भी इस मूवी को देख सकें। और इसको मैं स्पॉइलर फ्री रखना चाहूँगा बिल्कुल। मैं इसके बारे में बस इतना बता सकता हूँ कि एक ड्रीम बेस्ड मूवी है, मतलब ड्रीम के अंदर मतलब बस इतना ही बताऊँगा। हमारे 4th नंबर पर आती है इंटरस्टेलर। ये मूवी भी डायरेक्टेड बाई है क्रिस्टोफर नोलन, और ये मूवी भी ज़्यादातर लोगों ने देख ली होगी क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी तो ज़्यादातर लोग देख ही लेते हैं। और ये हमारे 4th नंबर पर है, और ये मूवी भी एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। पर जो आने वाली आगे की ये 3 मूवीज़ हैं वे इससे भी ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा, पर इस जैसी है, वे भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो हमारे 3rd नंबर पर आती है रेडियस 2017, डायरेक्टेड बाय कैरोलिन लेवरिच। तो इस मूवी की स्टोरी मैं बताता हूँ थोड़ी सी, मैंने इसका एक पूरी एक्सप्लेन भी करी हुई स्टोरी, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक आदमी होता है, उसके पास जैसे ही जो उसके पास आता है वो मर जाता है। ये इसकी कहानी, जो भी उसके पास आता है वो मर जाता है। और एक औरत होती है, जब तक वो उस आदमी के पास होती है वे लोग नहीं मरते। और तो ये है इसकी स्टोरी, ये स्पॉइलर फ्री है, वरना मैं आपको बता सकता हूँ पूरी स्टोरी, और मेरे पूरे चैनल पे इसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर सकती है। अगर आप चाहे देखना चाहते हैं स्टोरी को तो आप जाकर उस मूवी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हमारे 2nd नंबर पर आती है टाइम ट्रैप। ये मूवी भी रिलीज हुई थी 2017 में, डायरेक्टेड बाय मैरिस मार्क डेनिस। मार्क डेनिस, चलो इसकी स्टोरी भी मैं बता देता हूँ थोड़ी सी। इसमें ये होता है कि एक प्रोफेसर होता है, ऊपर वो गुफाओं को ढूंढ रहा होता है पुराने ज़माने की, उसने किसी किताबों में पढ़ी होगी, कुछ टाइम का चक्कर है उसमें, उसकी किताबों में लिखा होता है वो उन गुफा में ये था कि उन गुफाओं में टाइम बहुत मंदा चलता है, मतलब अगर आप उनमें फंस गए ना 1 घंटे के लिए तो 12,000 साल बीत जाएंगे। अगर आप उस गुफा में 1 घंटे भी रुके तो 1,000 साल बीत जाएंगे। और ये मूवी बहुत अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। बस इस मूवी से मुझे एक दिक्कत थी कि इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा है, ये बहुत छोटी फिल्म है, करीब 1 घंटा 27 मिनट की फिल्म है ये। स्टोरी इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाती है मूवी, तो बस इसकी यही दिक्कत है, वरना ये एक अच्छी मूवी है। इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और इसके VFX CGI मतलब अच्छे हैं, आप देख सकते हैं इस मूवी को। ये मूवी भी एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है और हमारी लिस्ट में ये डिजर्व करती है आना। 1st नंबर पर आती है एज ऑफ टुमोरो। एज ऑफ टुमोरो 2014 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय डग लाइमन। ये मूवी ज़्यादातर लोगों ने देखी भी होगी, ज़्यादातर लोगों ने नहीं भी देखी होगी क्योंकि ये मूवी है फेमस पर इतनी भी नहीं। तो इसकी स्टोरी ये होती है कि एलियन अटैक हुआ होता है धरती पर, और एक केज नाम का सिपाही होता है, वो वैसे बॉर्डर पोक होता है, तो वो एक एल्फा एलियन को मार देता है और एल्फा एलियन की ताकत उसमें आ जाती है। तो अगर वो जब भी मरेगा उसका दिन वापस से शुरू हो जाएगा, ये इसकी स्टोरी। और ऐसे वो कई बार मरता है, चलो मैं और नहीं बताऊंगा, ये एक स्पॉइलर फ्री है। तो ये है मेरी लिस्ट, ये सिर्फ एक लिस्ट है, रैंकिंग लिस्ट नहीं है। अगर रैंकिंग होती तो ये मूवीज एकदम से बिल्कुल बदल जाती इसकी रैंकिंग। तो ये एक लिस्ट है, आप इन मूवीज को देख सकते हैं, और ये इसका पार्ट वन है, ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आएगा, पार्ट थ्री भी, पार्ट फोर भी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।